नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने की पुलिस ने लूट और चोरी को अंजाम देने वाले 25,000 के इनामी अंतर जनपदीय लुटेरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किया। पुलिस अधीक्षक ने दावा किया कि गिरफ्तार इनामी गाजीपुर जिले की पुलिस कस्टडी से भाग निकला था। पुलिस इसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी, जिसे आज गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आया सारी कुर्फ मोनू मुबारकपुर के कटरा मोहल्ले का निवासी है। वर्ष 2018 में चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद अपराध जगत में प्रवेश किया। इसके बाद यह आसपास के जिलों में लूट और चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम देने लगा। कुछ वर्ष पूर्व वाराणसी पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था और बाद में जमानत पर बाहर आने के बाद इसने फिर लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने लगा। इसके पूर्व गाजीपुर पुलिस ने इसे पकड़ा, लेकिन यह चकमा देकर पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। कुछ दिनों पहले जीनपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई लूट में इसका नाम सामने आने के बाद इसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। इसी बीच यह मुबारकपुर पुलिस को यह जानकारी मिली कि वह कस्बे में ही मौजूद है। पुलिस टीम ने इसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दिया और इसे कटरा टड़िया मोड़ तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से तमंचा कारतूस बरामद किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी काफी सात्विक किस्म का लुटेरा है और यह जनपद के साथ ही आसपास के जिलों में भी लूट की वारदातों को अंजाम देता था, जिसे आज गिरफ्तार किया गया है। देखिए, कल ये सारी कुर्फ मोनू जो है हमारे यहाँ का वांटेड था। इस पे 25,000 रुपये का इनाम था। बड़ा लुटेरा है ये, कई बार जेल जा चुका है। ये पुलिस कस्टडी से फरार भी हो गया था गाजीपुर में। इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। ये काफ़ी दिनों से वांटेड चल रहा था। जीएनपुर में हमारे यहाँ लूट हुई थी 2019 में, उसमें भी वांटेड चल रहा था। इस तरह ये बहुत बड़ा अपराधी है, इसको हमारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके लिए हम इन लोगों को भी 25,000 रुपये का इनाम दे रहे हैं, क्योंकि 25,000 रुपये का ये रिवार्डेड क्रिमिनल भी था। 25,000 इनामी था ये? हाँ, ये 25,000 रुपये का इनाम था। ठीक, तो लगातार इस तरह से आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जो फरार मुलजिम है पकड़े जा रहे हैं, तो क्या असर करेंगे? देखिए, हम लोगों ने अभियान चला है, जितने भी हमारे वंचित या जितने इस तरह के दबंग अपराधी जो जो पुलिस को चकमा देकर भाग रहे हैं, उनको गिरफ्तारी करने का हमारे यहाँ अभियान चला है। और पिछले ही महीने में हम लोगों ने काफ़ी संख्या में इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। ये लगातार अभियान जारी रहेगा। और जो इस तरह के टॉप 10 के अपराधी हैं, ये थाने का टॉप 10 का अपराधी भी है, तो इस तरह के टॉप 10 के अपराधी जितने भी हैं, उनको हम लोग चैन से नहीं रहने देंगे, सबको हम लोग भेजे भी चाहिए। इसकी मुबारकबाद मुबारकपुर थाना क्षेत्र में इसकी गिरफ्तारी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।